नामवर कॉमेडियन अमानुल्लाह खान का एक घर पैरागॉन सिटी लाहौर में है। शुक्र है जी, कीड़ी दे घर बनाया चा गया है। नहीं जी, तुसी कीड़ी नहीं, तुसी बादशाह हो, कॉमेडी दे बादशाह हो। चले अंदर, चले ये तो बच्ची खिलौना चाट तो ना लड़न। पाकिस्तान के कॉमेडी किंग हैं, 34 साला तवील कैरियर में वो क्या खास चीज थी जिससे आपको शोहरत मिली? शोहरत क्या भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक है। मैं शोहरत क्या मिलने की खिदमत की है, जब मुझे पता चला कि लोग मेरी बातों में हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने जब पहला प्ले किया ना सिक्सर, इकबाल अफंदी साहब मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे उस्ताद भी थे, बाप की जगह पे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे को अजमील बिस्मिल साहब, उन्होंने कहा यार तुमने ये करेक्टर करना। जब वो मैंने करेक्टर किया ना, जब मैं स्टेज पे मैंने जब ऐसे किया, लोग हंस पड़े। म्यूजिक डायरेक्टर का करेक्टर था वो लोग हंसे पे, मैं कहे तो बहुत अच्छा काम है। दूसरी एंट्री की तो लोग खड़े हो गए, क्लैपिंग क्लैपिंग हो रही। मैंने कहा यार ये काम अच्छा है गाने वाने से। कहाँ तो दाता दरबार पर तस्बीहां टॉफियां और गोलियां बेचा करते थे, और कहाँ अचानक स्टेज पर जलवागर हो गए। क्या कोई गुर टाफियां गोलियां बेचते बेचते ही सीख लिया? सुहेल साहब अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आपने याद करा दिया। दाता सरकार के कदमों में तो मुझे लगता था मैं जन्नत में रह रहा हूँ। 300-350 रुपये मैं रोज़ कमाता था। आज़ादी बड़ी थी दाता साहब के एरिए में, ना उधर पुलिस पकड़ दी गई, तो मैं ज़्यादा मुनाफा ले रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या क्या गप्पे मार रहे हो। तो फैल नाजी साहब वाले साहब के भाई थे, दोस्त थे बड़े करीबी, उनका हम खाना लेके जाते थे थिएटर में दाता साहब के उर्स पे। उन्होंने खाना रख के ना खाने ऊपर चढ़ जाओ, उसको चलाओ ऊपर। मैंने चाचा मैं क्या करूँगा, कहते यार ये जो घर में सुनाते हो बच्चों को तुम ऊपर सुनाओ। मैंने ऊपर सुनाना, लोगों ने पैसे देने, लोगों ने हंसना। नैसन भट्टी साहब की आवाज़, झूठी अर दियारी जी में रुख खजूर तुपल के ते छाना दिंदा। तो लाला जी ने कहना लाला आलम लोहार बकरम खोल गल कर रहे, टिकटा ले जाओ अंदर आई जाओ। मैं जिस वे मिर्जा गवियां एडे रुख दरख्त ट्री जिन अंग्रेजी चाहते ने शजर, उर्दू फारसी कहते ने। शायर ने की लिखिया मिर्जा जट के बारे च, मिर्जा जट जना होया साढ़े इलाके का, भोला जानवर मिसल कबूतरां दी खच्चर विच नहीं पंछियां कां जिया, मां मरे ते पाल दी बच्चियां नू दुध जग ते नहीं जे गां जिया, भरां जिया मैं बाज भरावां मारिया ओ मेरी खाली हो गई कंड। ये मिर्जा जट जो शायर ने लिखा। सैकड़ों वन मैन शो और 2000 के करीब स्टेज ड्रामे, हर में मुख्तलिफ अंदाज, हर एक में मुख्तलिफ लहजा, इस पतली सी जान के अंदर क्या क्या छुपा रखा है? बस अल्लाह ताला ने हिम्मत बख्शी हुई थी, मेरी ड्यूटी लगाई थी अल्लाह ताला ने। मैंने एक करेक्टर किया ना आज, पहलवान का करेक्टर किया। ओए पुत्र ओए, साडे जमाने की पहलवानी असली बदाम एडे एडे लंबे, इतना लंबा बदाम होता ही नहीं, इतनी इतनी बड़ी चप्पल होती है एडी लंबी गिरी है। किस वे मैं रगड़ के पीनी, मैं पहलवानी की मैंने डॉक्टर ने कहा पहलवानी ना करया कर मार जाएगा। महल्ले वाले ने लामा देने मेरे पुत्रा ने, साडा आबा जिहड़े साडे घर दे बूए अगे पहलवानी घर आया। हालांकि पहलवानी करना कोई बुरी गल नहीं, एक नैचुरल चीज़ है। तो सो इस तरह वरायटी दूसरे ड्रामे वो की शेख का करैक्टर की करना, भाई मियाँ वेले बैठने भाई मियाँ बारे नहीं खाना, भाई महंगाई बड़ी है भाई मियाँ, उस छोटा 9 नंबर जोड़ा हुआ 9 नंबर पा भाई नू पक्खा बंद करो भाई ने कुछ नहीं लेना। पता चल जाए ना कि इन्हें कुछ नहीं लेना, उनका बिहेवियर और होता है। हर अदाकार मुशाहदे तजर्बे और मेहनत से बड़ा बनता है। 70 साला जिंदगी में आप लोगों को किस तरह से जांचते हैं, उनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनका किरदार अपना लेते हैं? आप कहीं बैठे ना, आप अकेले अकेले इंजॉय करें, चाय पीने जाएं, आप कई लोगों को देखें वो मुँह से गुफ्तगू को कम करते हैं, हाथों से ज़्यादा करते हैं। अब भाई मैं उसे गया, मैं ऑर्डर गया तले पिछे, तुम रोज गए नहीं हो, तो मैं टांगे दे बैठा, उन्हें छांटे मारे, मैंने चपेड़ मारी है। मैं क्या उधर वो आया, उधर बंदे कट्ठे हुए, मैं पिछले नहीं निकल के मैं बाहर आ गया।
हाथों से गुफ्तगू कर रहे हो। इस तरह पे वैरायटी रोज सोचना कि यार कल जो किया है ड्रामे में आज ना हो, आज जो किया है कल ना हो, कल जो करना है वो परसों ना हो। जैसे पढ़े लिखे लोग ना पहले डॉक्टर ने समझा ला पता इथ्रो मैं सीन ना दो यार, पहले मेरा गला तो ठीक है थोड़ा सा, कोई और इंजेक्शन दो। ये कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो, ये रिएक्शन कर सकता है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। वो डॉक्टर पहले डर जाता है कि उन्होंने इतनी नॉलेज है, तो पेंडू बंदा अल्लाह तो बाद ना सारी गल डॉक्टर सुन देता। ए डॉक्टर सलावा लगा वा, हाँ डॉक्टर तू हाँ, और जट्टा कोई पार नहीं हूँ डॉक्टर इंजीनियर आई जी का बंदा कौन है कख नहीं। वो पिछले जमीन ने पाँच पाँच किले हिस्से आंडियाँ तो टाइटिक रोड की जमीन पिछले एक बंद वो डॉक्टर ने कहा यार बंदा मेरे क्लिनिक में मर गया तो मुद्दा है मेरे पे। मरीजों को पहले यार आप इधर हो जाओ बच्चों बाहर चले जाओ, इसको आगे आने दो, क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर डर जाना क्योंकि थे ना मर गए, क्या प्रॉब्लम प्रमल की होनी है चिट्टिया चोले वाले बाबे मेरी खाब जो आ गई है। हाँ जी अभी तुम लैन आए हैं। 40 साल पहले गरीब थे, बहुत मेहनत की, करोड़ों कमाए, फिर भी अमीर नहीं हुए, ऐसा क्यों? अल्लाह का शुक्र है सारे वक्त मैंने ठीक गुजर जाते। फजूल खर्च भी नहीं थे आप, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है मुझे प्रॉपर्टी है, अपना खर्चा मर्चा चल रहा है। होता यूँ है कि जिस शख्स ने कुछ कड़की देखी हो ना थोड़ी सी भी, उसको एहसास होता है दूसरे के दुख दर्द का। मुझे जब भी उस दौर में 20,000 रुपया बड़ी रकम होती थी, आज से 40 साल पहले, वो मैंने नीचे आते तक मेरा 14,000 रुपया बांटा जाता था। मैंने कहा यार इसे कैसे पता चल गया मुझे आज पैसे मिलने, किसी ने कहा मेरी अम्मी बीमार है, किसी ने एक्सरे दिखाने, किसी ने कुछ करना, वैसे ऐसा पछतावा नहीं है ज़िंदगी में, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे पढ़ गए मेरे, ऐसे पैसे नहीं खर्च किए जिससे मुझे आज पछतावा हो कि मैंने ये क्या किया। होता है ना कि मैंने जी पक्षियाँ जी नोट नहीं मारते कई लोग, बिलो और ना अच्छे पैसे मैं देना को बिलो नच ली भी नचन और ली तो पैसे तू क्यों सुनना, भरा सुटे वाला प्यो सुटे, बिलो जी नच रही है कि लड़की नच रही है तो घर के पैसे सुटन। ज़ियाउल हक के घुटन के दौर में फिल्म में मौला जट और स्टेज पर अमानुल्लाह को शोहरत मिली, क्या इसकी वजह वो दबाव था जिसका सोसाइटी शिकार थी, या एक नए फन का जहूर हुआ था? पता नहीं, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो देखने में या उनका बिहेवियर जो सख्त था, मैंने 4 दफ़ा परफॉर्मेंस की उनके सामने, जनरल सवार खान, जनरल चिश्ती, जनरल रहीम, जनरल करीम, जनरल इकबाल, जनरल ज़ियाउल हक साहब, फिर जनरल गिलानी साहब, गिलानी जो थे गवर्नर भी रहे, तो मेरे तो बहुत मज़ेदार थे, बड़े फ़ैन, उनकी वाइफ भी बहन मेरी बाजी उनकी वाइफ थी जो, तो ये अनवार लड़का उनका अनवारुल हक उनके साथ ही होता था, तो उनको हंसाना बड़ा मुश्किल था। वो जैसे वो हंसेंगे तो सारे लोग हंसेंगे, ज़ियाउल हक हंसेंगे तो बाकी हंसेंगे, वो सारे लोग हंसते ही नहीं थे। मेरे पास 15 मिनट का टाइम था तो सारे लोग पीछे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जवेद कुरैशी साहब मेरे बड़े भाई थे, कहने लगे यार तुम वो गालियाँ पीछे दे रहे क्या कर रहे हो, 15 मिनट में करके आओ। मैं कह 15 मिनट वो हंसी नहीं रहे, इस पर भी नहीं बातें हो रही। मैंने कहा यार आप हंसो आलमपना हमारे कुछ नहीं कहेंगे, आलमपना जान के ईमान पाऊँ तो आप हंसे, काम शुरू हो, वो हंसना शुरू हो गए। 15 मिनट का टाइम था, मैंने 1.5 घंटा लगा दिया, वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। फिर मुझे मिलने आए, बड़ा उन्होंने, मैं बड़ी मदद के बाद हंसा हूँ, बड़ा इन्जॉय किया मैंने, कहाँ होते हैं आप? तो मेरे वो भाई ने, मेरी बाजी है नहीं, उन्होंने कहा भाई जान आप इस्लामाबाद आते तो आप इस वक्त 20 मरले का जगह ली होती उधर, वो क्या ब्लू एरिया में, तो आप मज़े से बैठ के खाते। मैं बेटा मैं कड़ा लूला लंगड़ा मैं बैठ के खाता। बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे बाप, और एज आर्टिस्ट तो पूरी दुनिया को पता है, और ऐसे अच्छे लोग, ऐसे अच्छे इंसान मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। कारनामा मैं क्या जहाज़ का पार बनाया है या काला इंजन में खोल के फिर बंद कर लेना नहीं, इनकी जो स्पेशलिटी मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत से आर्टिस्ट मैंने देखे जो बातें लिखते हैं कि जो लिख के कुछ करते हैं, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे ब्लेस्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कभी कोई जुमला याद नहीं किया ना लिखा कि भी मैं ये कहूँगा, और अल्लाह की खास रहमत है इन पे। आपसे भी मजाक करते हैं? हाँ जी, बड़ी झुकते हैं, हमें पड़ती हैं बहुत, लेकिन आम तौर पे तो ये संजीदा रहते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं ऐसा नहीं, मुँह ही ऐसा है मस्कीन वाला
बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं अपनी जेब को आप ही डर जाना। अगर मैं कहूँ कि जैसे चार्ली चैपलन थे वो एक ही थे, कॉमेडी की बात करें मुनव्वर ज़रीफ़ साहब थे वो एक ही हैं, तो इसी तरह अमानुल्लाह खान साहब एक ही हैं, मोइन अख्तर साहब की अगर हम बात करते हैं, उमर शरीफ साहब की, ये वो लोग हैं जो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। इनका कोई उस्ताद नहीं होता, इनका उस्ताद इनकी ऑब्जर्वेशन होती है, और बतौर बाप जो है सर वो आइडियल हैं। मेहरबानी यार, थैंक यू। बिरयानी, मटन कोरमा और कटलेट से तवाज़ो की गई। जो कॉमेडी है, जो लताइफ हैं, जो जुगतबाजी है, इसके लिए कहीं से नुस्खे या ख़ुराक लेते हैं? हमारा गायकों का काम है क्लासिकल, 700-750 साल से। आपकी फैमिली? हाँ जी, ददियाल मेरे दाद के मेरे, वो ये शोरबे वाली खाना जो जल्दी हजम होता है, तो इस वजह करके ये पसंद किया जाता है शोरबे वाला। दूसरा ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि फिर रात को शो होता है, ना दिमाग काम करता है ना जिस्म साथ देता है। सर ये जो जुगते लतीफ़े और बाकी चीज़ें हैं, क्या इसके लिए आप लोगों से मदद लेते हैं? कान में कोई बताता है आके? नहीं नहीं नहीं, खुद अपने बनाते हैं। कुदरती जिसने ये टैलेंट होता है, जिस तरह तुम जट हो, अपनी पहली वाहते वाहते नाल दे विवाह होंगे, आदत आदत होंगी ना जटा एवं कचहरी गए उ होर किसी लड़ पे क्या चोर साहब मेरे क्यों लड़न रहे? कहते यार अगे भी लड़न रहे, अगे भी परचा होया कि तेरा भी हो जाएगा, कि घाटे वादे वाली गल। जाटियां जरा फसल चंगी हुई सी, मैं क्या एक और पंगा ले लिए। पहले खानदान के अफराद से मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। कौन कौन क्या क्या है बताए ना, तारफ कराए। ये मेरी बच्ची है, भांजी मेरी, ये बड़ा बेटा, ये मेरा पोतरा है, वो भी मेरी भांजी, वो मेरी नवासी है, है भी मेरा बे पोतरा है, भी मेरी पोतरी है, तड़ी भरजाई है, हाँ ये बेटी है बड़ी, और मेरी हाँ मेरी भांजी भी है, मेरी बेटी भी है, बहू भी है, और मेरी एक ही सिस्टर है बस। हाँ कोई ना भाई है मेरा, एक ही मेरी बहन है और एक मैं। शादी कब हुई थी? ए नहीं याद, 73 में हुई थी शादी, 73। बड़े अच्छे ने, बड़ा ख्याल आ दे रहे, बड़ा खर्चा दे रहे। कितना खर्चा देते हैं? 50-60 हज़ार। कितने बच्चे हैं इनसे? गिने नहीं आली। छह बच्चे? हाँ, तीन बेटे तीन बेटी। जब दूसरी शादी की तो आपका क्या रद्द अमल था? उन्होंने कहा घर जी की चीज ही बनी और तुसी चले जाना, मेरे तो ना गोत पटवारनी मेरी अगे कोई नहीं गोत। ऐ देखो मैं आज बताएं, जो दूसरी शादी की थी ओदा मैं परेशान हुई थी, जो तीसरी की थी फिर मैं खुश हो गई। बड़ा अच्छा हो गया, ओदे ते भी आ गई जेहो जो करनी ओहो जी भरनी। तुहाडी अरेंज मैरिज सी या मतलब खानदान ने की सी या तुसी? टेंट वाले ने करवाई सी, उनके यही टेंट वाले लाने सी, जो पसंद किया। नहीं बस मेरी खाला तो बेटा सी, मेरी अम्मी उन्हां ने कर दिता, शादी कर दी साडी हो गई। तुसी बाद जिन्हां नु समझांदे रहे कि क्यों ये शादियां ना करो, ज्यादा कमान ला पे ते उन्होंने ब्याह कर ले, फिर चलो खर्चे पूरे होणगे साडे, जो पैसे आ जांदे ने फिर बंदा ब्याह ही करदा। ठंड पै गई हूं कुछ थोड़ी जी। बहुत अच्छे, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लिटरली मेरे फादर से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं सच्ची में। हमारे पापा लविंग है, केयरिंग है, हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, और इतना बिजी होने के बावजूद हम लोगों को इन्होंने टाइम दिया है। आई लव यू डैडी। कोई गल नहीं बेटा, जिम्मे अल्लाह ने मंजूर होंगे यहो जहाँ कम चल रहा ही रहमत करता, बस अफसोस करने लड़की हो जाना। हाँ बस अल्लाह वाल ध्यान करो बस। जिंदगी में बहुत ऊंच नीच देखी है, वो कौन सा दिन था जब फाके तक नौबत आई या बहुत गुर्बत देखी, और वो कौन सा दिन था जब बहुत ज़्यादा दौलत देखी? फाका इसलिए नहीं काटा कि मैं बिल्कुल टीन एज में सौदा बेचना शुरू कर दिया था, मतलब कि जब 1.5 रुपये का किलो गोश्त था, किलो गोश्त सिर्फ 1.5 रुपये में, उस दौर में मैं 13 रुपये रोज़ कमाता था, ये 64 की बात है।
तो मैं कहता हूँ 13 रुपये रोज़ बड़ी बात होती थी, 3 रुपये सुबह कमाने बंद मक्खन बेच के थोड़ा सा खेलना खुलना। फिर मैंने लच्छे लेके निकले, चीनी के लच्छे नहीं थे वो लच्छे रुई वाले, 10 रुपये उस दम बड़े पैसे थे, 10 रुपये 150 रुपये का तो साइकिल था बिल्कुल 0 मीटर। कोई याद है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे इकट्ठे देखे हैं? करोड़, लाख, 10 लाख? क्या देखना है, ज़्यादा नोट क्या देखने, और 2 लाख रुपया ज़्यादा। मैं कौन सा बैंक में काम करता था, 1 लाख रुपया आ गया, 2 लाख रुपया आ गया। अगर बाहर जा रहे हैं, बाहर के टूर है बाहर का, तो किसी ने 3 लाख रुपया एडवांस दे दिया, वो ले लिए इकट्ठे। या कुवैत जा रहे हैं, तो कुवैत गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए, वहाँ मेरे वाकफ़ मिल गए, मैंने उनसे 30-35 तोले सोना ले लिए। मैंने कहा इतना सोना मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे कड़े बना दिए लड़कों ने, सुनहरों ने, कुछ इधर पहन लिए, कुछ गले में, कुछ इस तरह से। वो ही थोड़ा सा समझ लें लग्जरी देखी है, जो भी देखा। कभी खुशी कभी गम, वो कौन सा लम्हा था जब बहुत दुख हुआ, और वो कौन सा लम्हा था जब बहुत ज़्यादा खुश हुए? जब मैं जहाज में बैठा हूँ कराची से, मैं गया, नैसर भट्टी साहब, मैं, शौकत अली साहब, इस तरह की पूरी टीम गई, तो ख्वाजा आटोस थे, उन्हें मुझे बुलाया कि यार आका, मैंने ऐसे ही माइक में कह दिया, मैंने कहा जी मैं तो छोटा सा था, ट्रेन में बैठा हूँ, तो बड़ा होकर कराची पहुँच गया, बूढ़ा होकर लाहौर पहुँच जाऊँगा। तो ये नैसन भट्टी साहब जो है, ये जहाज़ में गए हैं, जहाज़ में आए हैं, अब जाएंगे भी जहाज़ पे। उन्हें मुझे दफ्तर बुलाया, मुझे नहीं पता था क्या कहेंगे, मैंने समझा मुझे स्कूटर देंगे। उन्हें मुझे उस दौर में 2-3 हज़ार रुपये लिफाफे में और 7 टिकट। लड़के कहें टिकट भेज दो, मैंने कहा पता नहीं आइंदा मैंने बैठना है जहाज़ में या नहीं बैठना, भाई मुझे टाइम मिला मैं तो जहाज़ में जाऊँगा। वो मज़ा ही नहीं आया, जहाज़ में बैठा हूँ मैं, ट्रेन पर गया था, सारा दिन लग गुजर गया, मैं जहाज़ में बैठा हूँ। रफी अपना तारक जी साहब ने मुझे तोहफे इतने दे दिए, मुझे और नैसर भट्टी साहब को मशीनें उस दौर में, कपड़े, ये वो संभाले ना जाए। मैं ट्रेन में जहाज़ में बैठा हूँ बुक करवा के, यूँ बैठे हैं चाय वाय पिए तो यूँ दम करके लाहौर आ गया। मैं कह यार तू मज़े नहीं आया जहाज़ का। गम ज़दा कब हुए सबसे ज़्यादा, दुख कब? जब मेरी माँ फौत हुई है, मेरे वालिद साहब फौत हुए, जब मेरी माँ फौत हुई है तो मुझे लगा जैसे पूरी शाम पड़ गई है, तो अब शायद ये शाम ही रहेगी, दिन नहीं चढ़ेगा, लाइट नहीं होगी कभी भी, वो सब्र हो गया। घूमते फिरते रहे, वालद ने मारना छोड़ दिया किसी माँ फौत हो गई, फिर वालद साहब चले गए, बंदा कुछ नहीं कर सकता सिवाय सब्र के, सब्र के सिवा कुछ नहीं। मेरी बहन बहुत रोती थी, मैंने उसे कहा बच्चे माँ और बाप मेरा फौत हुआ, तेरा तो मैं बाप हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। अमानुल्लाह साहब, अगर कोई ऐसा मौका आए आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं, अच्छा तो क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं जो कमाता हूँ ना, मैं कहूँगा जी इतनी मेरी तनख्वाह लगा दो, दिन रात काम करूँगा, सिर्फ सोने का टाइम निकालूंगा, और कसम खाऊंगा अपनी वालदा की कि मैंने इन सबको बताना है, दिखाना है कि काम इस तरह होता है। दूसरी फैमिली से अपनी बेटी महवश से ईद मिलने पहुंचे, दामाद और बेटी ने इस्तकबाल किया। मेरा नाम महविश अली है, और बाबा जो हैं एज अ फादर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं टूवर्ड्स डॉटर्स स्पेशली, बल्कि बेटियों को हमेशा बेटों से ज़्यादा तरजीह दी है बाबा ने। मैंने तमाम बच्चों को ना, अपने सारे बच्चों को स्विमिंग सिखाई, लड़कियों सबको, सबको स्विमिंग सिखाई। अगर मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था, बाबा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। सो सर तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि आज तक मुझे तो कभी कोई कंप्लेन नहीं मिली, अपने लिए भी और इनके लिए भी किसी किस्म की। हमारे लिए भी ऑनरेबल है, इसलिए भी कि इनकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाती है। पुरतकल्लुफ चाय पिलाई गई, सियासत में कोई आपको पसंद भी है? चौधरी शुजात मुझे बहुत पसंद है, सियासत बहुत सियाने आदमी चौधरी साहब। अच्छा उनका मुझ पर ऐसा इंप्रेशन है, जब भी कभी मुझे फ़ोन आता है ना चौधरी शुजात साहब का, पता नहीं क्या बात है, खड़ा हो जाता हूँ सुनने के लिए। चौधरी साहब को किसी ने कहा जी अमेरिका जी देखें क्या बातें कर रहा है, अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका वो कह रहा है, तो चौधरी साहब कहते अरे वे कितना कुछ कह ही लेने, कह कह कितना कुछ कह ले, कह ले
दिहाड़ी से कि कोई झूठ भी बोले था, कई सच भी बोले है, तो ये अमरीका ने अगर कोई कहता है तो जहनी जड़ा पै गया ठीक है। पाकिस्तानी सियासत में कौन पसंद है? जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, इनमें से कौन अच्छा लगता है? नवाज शरीफ। लेकिन भुट्टो साहब का दौर भी ठीक था, लेकिन मुझे नवाज शरीफ का दौर पसंद है। नवाज शरीफ ने थोड़ा सा धीमा आदमी है। दूसरी जगह करप्शन की बात, वो कौन सा इंडियन आदमी है? अफगानी, कश्मीरी, पाकिस्तानी, बंगाली, बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, जिसको हेरा फेरी का नहीं पता। इस रेडी पे 70 रुपये का किलो खरबूजा, वो आधा किलोमीटर आगे चल जाए 200 रुपये का वही खरबूजा, 150 रुपये का किलो भी। हम तो सब बेईमान हैं, ये बात नहीं होती। बात ये होती कि मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है। इमरान खान को अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारा हीरो है, अल्लाह ताला उसे तौफीक दे कोई काम करने के लिए। हम तो दिल ही दुआ को है। तो एक ज़ाती सा सवाल जी जी, लेकिन आपके टोटल बच्चे कितने हैं, कितनी शादियां की? क्योंकि आपकी ज़िंदगी का प्रोग्राम है, इसलिए लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में हर चीज़। शादियां जब इंसान बिजी होता है, मसरूफ़ होता है, या कुछ ऐसे घरेलू प्रॉब्लम होते हैं, क्रिएशन होती है ऐसी, कुछ बदकिस्मती के लम्हे होते हैं, कभी भी दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। शादी ना कभी दूसरी ना करे। मैं कहता हूँ तो अरब के इलाके में जाके भले 200 शादी कर ले, इंडिया पाकिस्तान जहाँ औरत सती हो जाती इंसान के साथ, मर्द के साथ, जब वो मरता है बेचारा, इधर उस औरत ना दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं करती। वो जो इंसान का हाल होता है, कब्र भी बंदे की रोती है। ये बच्चे कभी मुतमिन नहीं होते, उनको ये दे दिया, हमें वो कर दिया, उनको ये दे दिया। दूसरा कभी निकाह नहीं करना चाहिए। मैं ज़िंदगी मेरा मशवरा है, ज़िंदगी बदकिस्मती तलख गुजरती है बंदे इंसान की, इतना कुछ करके फिर बंदा सड़क पर होता है यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, या आपने उनको पता नहीं क्या कर दिया, वो उनको ये कर दिया, वो भले किसी की गाड़ी में बैठ के बच्चा फिर रहा हो, कह रहे तूने आपने लेके दी है उसे। अगर मैं दाता साहब भी हूँ, इबादत भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप तो उधर ही थे रात को। मैं कहा मैं दाता साहब से हूँ। तो मेरा मशवरा है कि जो लोग शौक रखते हैं दूसरी शादी का, वो करके देख लें, अच्छी चीज़ ही नहीं है। कुल कितनी शादियां की? 5 या 6? 3 बीवियां थी मेरी, 1 बीवी फौत हुई रिसेंटली, 4 साल हुए हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां, 3 बेटे हैं। तो एक वाइफ से है ना? हाँ। तो बाकी से? दूसरी में से 4 हैं। 4? हाँ। तो टोटल 10 बच्चे हैं आपके, या एक किसी तीसरी में से भी है? हाँ, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे 1 बीवी में, 4 दो दूसरी बीवी में। टोटल कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे वो हो गए, 4 वो हो गए, तो 6, 14 बच्चे। सब्जाजार में अपनी तीसरी फैमिली के घर आए, बच्चों ने दरवाजे पर खुश आमदेद कहा। टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग में मैंने बैचलर्स किया हुआ है। ये मेरे फादर का मेरे दोस्त ज्यादा हैं, और ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग है। मैं अपने फादर के साथ बहुत सारी टिकटॉक बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ टिकटॉक बनाना, यादों को इकट्ठा करना काफ़ी अच्छा लगता है। मदर की डेथ के बाद इन्होंने, क्योंकि हमारी मदर की डेथ हो चुकी है, इन्होंने हमें जिस तरह से संभाला है, हमें एक वो ट्रॉमा से, टॉर्चर से निकाल कर हमें पता ही नहीं लगा, और इन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज हम अगर यहाँ बैठ कर, हर किसी को मौका नहीं मिलता बात कर रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो आई एम प्राउड टू बी हिज डॉटर। मैं ये कहूँगा कि ये अपने काम के माइकल जैक्सन है, अपने काम के ब्रूस ली हैं। ये मेरे फादर जो हैं, ये हमें स्विमिंग पूल पे इकट्ठा किया करते थे, और सिर्फ हमें नहीं, मतलब सब बच्चों को। तो एक बार मैंने इनसे पूछा कि आप मतलब ऐसा क्यों करते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि बच्चे मेरी एंटरटेनमेंट हैं। सतेले बहनों भाइयों से इख्तलाफ नहीं होता? ये रिलेशनशिप इस तरह की हैं कि क्लैशेस भी चलते हैं और प्यार मोहब्बत भी रहता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने अबू की तरह का बनूं, खैर उन जैसा तो नहीं बन सकता, कोशिश कर रहा हूं कि उनके नक्शे कदम पे चलूं। मैं आगे एक्टिंग ही करना चाहता हूं। हाँ, अबू मुझे ये कहते हैं कि तुम ज़्यादा करेक्टराइजेशन के ऊपर तवज्जो दो। वो कौन से उस्ताद थे जिन्होंने आपकी शख्सियत को बदल डाला और आपको अमानुल्लाह बना दिया? रफीक बड़ाए साहब, इकबाल चौधरी साहब, मोहम्मद अली साहब, अली भाई, मुनीर नियाजी, ये सब के नाम इतने हैं कि याद नहीं रहते। 3-4 शादियां की, इश्क भी लड़ाए होंगे, सिनफ़े नाजुक के हुसन में पसंद क्या है?
सुभान अल्लाह, औरतें कोका पहनती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, उसमें कितने शेड होते हैं, कितने कलर होते हैं, झुमके पहनती हैं, खूबसूरत लगती हैं, बारिश में नहा के आती हैं जब, बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब वो कहती हैं मुझे तौलिया पकड़ाना, भीगी होती है जब, औरत बंदा कितने धक्के खा खो के सारे पैसे ला के बीवी को पकड़ा देते हैं, लैबी करमा, तो खूबसूरत ही है ना। मॉडल टाउन में अदाकार सुहेल अहमद के घर उनसे मिलने पहुंचे। हमारे लिए ये बहुत ईद जो है ये बड़ी ही बाबरकत और दुगनी हो गई है कि आप तशरीफ़ लाए हैं अमानुल्लाह खान साहब के हवाले से। बड़ी मेहरबानी है जी। नहीं नहीं, मेहरबानी कर दी, मैं तो बुआ नहीं सी खोलना। तो किराए से लिया है मकान? सुहेल साहब, सारी जिंदगी हमारी ऐसे गुजर गई, बड़ा मजे का काम किया हुआ है जी खान साहब ने। सच मुझे मुकाबले होते थे, मिन वो आप तो होता है ना, मिलजुल के करते हैं, नूरा होते हैं, नहीं सच्ची मुची के मुकाबले। सर इधर पानी पी रहे हैं, एक लड़का अंदर गया है, उसने काम शुरू कर दिया, मैं पानी पी के गया हूँ, मेरा भी काम शुरू हो गया। सोचा समझा होता नहीं तो अल्लाह जाके अगले मैं उसका ना अगला जान पाया। बस पीते पानी ताडे काम आए जी। हाँ वो ही लैके बह गए। बच्चे इनके साथ ना जी वो कहीं जाते थे ना तो लोग एक शख्स कहता है कि जी ए अमानुल्लाह पीछे इनके 10-12 होते थे शागिर्द, हर वक्त किसी ने कुछ उठाया हुआ है, कोई वैसे ही तैयार हो गए पीछे। तो एक शख्स कहता है जी ए अमानुल्लाह ते ए पीछे समानुल्लाह, वो सारा इनका सामान हर वक्त इनके साथ होता। वो भी औलाद की तरह थे बेचारे। ये वाहिद ऐसा उस्ताद मैंने देखा है दुनिया पे जो शागिर्दों को भी अपने पल्ले से पैसे देते थे। ईद शबरात मैंने चूंकि एज डायरेक्टर भी काम किया है सेल साहब, तो मुझे ये बीमारी थी कि मैं कहता था कि 5 मिनट से ज्यादा अगर कोई लेट होगा तो मैं रिहर्सल नहीं करवाऊंगा। अब खान साहब के हाथों में आए हुए हमारे सीनियर, इनकी अब बड़ी इज्जत भी करते थे भी, तो मैंने एक दफा ये 7 मिनट लेट आए तो मैंने कहा खान साहब आप 7 मिनट लेट हैं, तो ये पत्थर ही घर से लड़ के आए थे। मुझे कहते हैं और मरे तू कायदे आजम में गुस्सा चढ़ गया कि 7 मिनट लेट हो गया, तो क्या। नामवर प्रोड्यूसर सखी सरवर भट्ट से मिलने आए। उन्होंने इनके एजाज में दावत का एहतमाम कर रखा था। सखी सरवर के बेटे ने ईद गिफ्ट पेश किया। महफिल थिएटर के अंदर मेरी जिंदगी में पहली मुलाकात इनसे हुई सुहेल अहमद साहब के साथ। सुहेल अहमद साहब ने मिलाया और अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने जो ड्रामा किया डबल सवारी, उसमें एक 15 मिनट का मैच था जी। मैं सारी ज़िंदगी जुगत नहीं कर सकता, मुझे जुगत नहीं आती, लेकिन उस 20 मिनट के मैच में अमानुल्लाह साहब जब मुझे जुगत करते थे तो एक लंबी क्लैप और लंबा लाफ्टर आता था, उसके दरमियान ये मुझे उसका जवाब बताते, मैं फिर उसका जवाब देता जो इन्होंने बताया होता था। आज इफ्तिखार ठाकुर अगर लोग जानते हैं तो उसकी वजह अमानुल्लाह खान साहब। मेरी पहली मुलाकात अमान साहब से फैसलाबाद में हुई थी, मेरा पहला ड्रामा था, मैं 16 बरस की, लोग मुझे जानते भी नहीं थे, पहला ड्रामा मैंने वहाँ पे किया। तो उस ड्रामे में अमान साहब ने मेरा हाथ खड़ा किया, मैं इस काबिल नहीं था ना मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट था, लेकिन इनका काम है फनकार बनाना, ये ऐसे पहलवान हुए हैं, इन्होंने पहलवान को गिराया नहीं है, बनाया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ, मैं जो भी हूँ, नासिर चिनूटी जो भी है, वो अमान साहब के पाँव के सदके है। ये हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, मेरे तो बड़े भाई भी हैं, कज़न भी हैं मेरे, और आज शाहिद खान जो भी है, बल्कि जितने भी थिएटर के फनकार हैं, जो आजकल कॉमेडी हो रही है, वो जो जो जुगत का थिएटर है, ये अमानुल्लाह का थिएटर है, रहेगा जब तक जुगत का थिएटर है। इनकी एक खूबी थी कि जब भी कोई बड़ा लाफ्टर क्लैप आती थी ना, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये बहुत कम लोगों को पता है। डिफेंस लाहौर में मशहूर गुलूकार गुलाम अली से मुलाकात करने आए।
मेरे साथ इनका वाबस्तगी तब की है जब मैं मुझे कोई जानता बहुत बहुत कम था और ये ज़्यादा जानता था उस वक्त, तो ये इसको भी गाने का माशाल्लाह बहुत अच्छा गला है। और मैंने तो बल्कि ये कहा था, इसको कई दफ़ा कहा था, मैंने कहा आप गाना क्यों नहीं गाते, तो इसको शौक़ था एक्टिंग का। तो इसे मैं मल्ला समिया में होता था उस वक्त किराए पे के मकान पे, तो वहाँ पे इसने आना जब फारिग होना गई जहाँ से भी, तो आगे क्या उनका नाम था मदर शाह, तो तकरीबन मदर शाह बन के हमें आना और मैं रियाज कर रहा हूँ, ये हंसी की बातें हो रही है। तो इसी तरह था जैसा मतलब सगे भाई भी इतना आगे करीब नहीं होते जितना मामला मेरे करीब है। ये दो बंदे ना होते गुलाम अली साहब एंड मेहदी हसन साहब, फिर मैं गाता। जब मैंने विजुलाइज किया मैंने कहा इनसे अच्छा मैं नहीं गाता। थिएटर को इसलिए भी मुश्किल मीडिया समझा जाता है कि आपको जुगत का जवाब देने के लिए फौरी तौर पर तैयार रहना पड़ता है। आपको ऐसे वक्त में आमद होती है या आपने जहन में बातों को स्टॉक कर रखा होता है। लाइव प्रोग्राम में एक खदशा होता है कि हमें लोग हूट ना करें। दूसरी बात, लाइव प्रोग्राम में चौकस रहना मस्ट होता है। इसमें थोड़ी सी मजाक पैदा करने के लिए कोई वाकया डाल दिया, कई लोगों के बाजू नहीं होते तो हम देखते थे बचपन में, वो रास्ता बताते थे पाशफीक साहब, हाँ जी यार वो बर्फ वाले का भाप मीना बर्फ वाला वो यार है, तो सीधा जा अगो खब्बिया तो जी खब्बिया तो अगर अगो चौंक आएगा, चौंक तो जाके सज्जा उत्ते वेखेंगे तो पौड़ियाँ चढ़ जी, पौड़ियाँ चढ़ेंगे तो बैल दें टी टी दो बारी बैल दें तो थल आवाज आ जाएगी, चल जा दबाओ। मतलब ये एक है, ये ब्लैक कॉमेडी या ट्रेजिडी है, लेकिन इसमें लोग हंसते थे। एक तरफ अदाकार के ज़ाती गम दुख और तकलीफ़ें, दूसरी तरफ उसे हर सूरत स्टेज पर जाकर लोगों को हंसाना पड़ता है, ये कितना मुश्किल होता है। ये आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है कि इधर बंदा गम कर रहा है तो जाके फौरन हंसाना शुरू कर दिया, बिहेवियर ही है ना एक। तो मैं कहता हूँ अब इंतहाई मुश्किल काम है लेकिन कर गए, बस पता नहीं था लड़कपन था कर गए। कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन पैदा हुई होगी कि आप खुद गमजदा हों मगर स्टेज पर लोगों को हंसाना पड़ा हो। हाँ जी मुझे पता था, आज मेरे वालद साहब की फौत हो जाने, मेरे वालद ने आज जब मैं घर से निकला तो फ़ोन होते थे घरों में, मोबाइल नहीं था उस दौर में, मुझे फ़ोन आया यार इसल आके अटेंड कर लो ख्वाज का उस्मान पीरज़ादा साहब का ड्रामा था एफएल में, तो ग्लूकोज लगा हुआ था क्या बोलो लगा, मैंने कहा यार मैं निकला, मुझे पता था मेरे आज वालद की आज फौतगी है, लेकिन गया मैं काम किया मैंने, अभी आधा ड्रामा हुआ तो लड़के कहने लगे आज वो मान साहब वाओ घर चलिए, मैं कहा मुझे पता है मेरा वालद फौत हो चुका है, ये सीन मुझे कर लेने दो, मुझे पता ना होता तो फिर मैं भले गिर जाता शायद, मुझे पहले इंडिकेट था कि मेरे वालद का ऐसा होना है वो बस किया आपने परफॉर्म। हाँ क्या करते, कुछ ऐसी सिचुएशन होती बंदा इन सवाए सब्र के कुछ नहीं कर सकता, बंदे के बस में नहीं है कोई चीज़, क्या करते वो सीन पूरा करना पड़ना था, वो लाइव काम है ना ये, टीवी थोड़ा अगले ने बंद कर दिया आगे चला गया पिछला पुल लगा लिया, जो लाइव है लोग टिकट लेके बैठे हुए हैं हंगामा हो जाता है। लाइव में ये भी होता है कि आपको पता चले किसी ने लाख रुपया पकड़ा दिए लाइव में, मैं लंदन जाता हूँ जब भी ये औरतें माई बूढ़ी माएँ हमारी बहनें इतने पैसे मुझे देती हैं, मैं क्या अम्मा जी मैंने खून की बोतल लगन वाली तुम मैंने इन्ने पैसे दे रहे, कहने पुत्र मैं तो इन्नी दूरों गड्डी चला के सिर्फ तेन देखना है, गड्डियाँ चलानियाँ माइयाँ बूढ़िया माइयाँ उधर से मैं सिर्फ गवर्नमेंटों से पैसे लेता रहता तो मेरे पास बहुत पैसा होता। कहा जाता है कि अलमिया अदाकारी की ज़िंदगी बहुत लंबी होती है जबकि कॉमेडी या तरबिया अदाकारी की उम्र छोटी होती है क्योंकि मिजाज कुछ अरसे बाद बदल जाता है। क्या आपने कभी कोशिश की है कि अलमिया अदाकारी करें? एक ड्रामा था रौला दाज दा, वो लाइनें लिखी नहीं हुई थी, जो सिचुएशन ऐसी बन गई कि एक लड़का बच्चा है वो जहनी तौर पे 8 साल का ही है, वैसे वो उसकी उम्र 33 साल 34 साल हो गई है, नानकियाँ दे घर में ननियाल की तरफ रहा है,
तो उसका वालद फौत हो जाता, उसे कोई क्रेडिट, उसे कोई अपने वो लेता ही नहीं, इजी लेते हैं सारे, उसने कोई रजाई ली हुई है तो रजाई को उठा के ले जाता है घर में ही, उसके ऊपर तो वो बोरी सी दे दी, कोई आया बोरी उठा दी, उसके तप्पड़ दे दिया, तप्पड़ किसी ने पानी फेंक दिया, और ओडा उसका नाम होता है। वो करते 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 वाइंड अप बोलता है, अपने पास से मैंने बोला एक दिन अलमरा में, उस दौर में वाइंड अप बोलना बड़ा मुश्किल होता था, बड़े बड़े एक्टर बोलते थे, कबीर खान, नईम ताहिर, मैंने भी धड़क सा होकर मैंने लाइन बोली, मैंने कहा जब मेरे वालद फौत हुआ सारे कहते थे मैं तेरा आबा वहाँ, कोई कहते थे मैं तेरी माँ वहाँ, हूँ कोई भी नहीं आता, इस तरह करके उस दौर में इतनी बड़ी क्लैब, लोग रो रहे होते थे बाहर खड़े हुए इंतज़ार में, शौक होता था, लोग सुनते थे, अब तो हालात चेंज हो गए ना, बदल गए थे। क्या स्टेज के अदाकारों की टीवी चैनल्स पर आमद से मज़ा और मिजाह के मौजूआत भी बदले हैं या अब भी वही हैं? कॉमेडी चेंज होती रहती वक्त हालात के साथ साथ, चैनल पे इसलिए चेंज हुई है कि ये जाना था घरों में, जो नज़रबंद हैं लोग, बड़े बड़े अहदों वाले ऑफिसर, दुश्मनदार लोग जो घरों से निकलते नहीं हैं, वो नज़रबंद की तरह ही रहते हैं घरों में, वो फिर टीवी देखते हैं। जब आप टीवी पे कोई बंदा गंद बोलेगा तो वो फिर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो फिर कहते हैं वाह जी वाह मज़ा आ गया।